डियर स्टूडेंट, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम अपनी एडवांस एक्सरसाइज 6.5 एंड 6.6 करेंगे। स्टार्ट करते हैं 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला व्हेन ए इक्वल्स टू -2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर एक का फोर्थ पार्ट कराता हूं। फोर्थ पार्ट है ए प्लस बी माइनस 3 ए माइनस बी। इसमें बोला है ए इक्वल्स टू, अगर -2 है, बी इक्वल्स टू 3 है एंड सी इक्वल्स टू 0 है, तो ये नीचे जितने भी एक्सप्रेशन हमको दिए हुए हैं इनमें ये वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यू या इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले पूरे सेक्शन में ए की जगह -2 और बी की जगह 3 रख देंगे। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, बड़ी वैल्यू प्लस की, इसमें प्लस का 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है सीधा कर देना है, बीच में माइनस का साइन नहीं लगाना, सीधा कर देना है, ठीक है। माइनस का साइन तब, ये माइनस या कोई भी साइन तब चेंज होता है जब वो आमने सामने आ जाते हैं, जैसे इस तरीके से। तो माइनस माइनस तभी प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे एक साइन इधर है एक साइन इधर है तो सीधा माइनस प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, वैल्यू बड़ी माइनस की तो माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 3 5 50, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है, पूरा इनटू में है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में और किसी वैल्यू भी डिजिट, कोई भी डिजिट दी हो अगर उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस और 3 5 50। नेक्स्ट 1 प्लस 15 16, तो हमारा आंसर आ गया 16। तो इसी तरह इसके सारे पॉइंट करने हैं हमको। नेक्स्ट बोला है यूज वर्टिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया हुआ है वर्टिकल मेथड से, वही अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसमें x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 14 दिया है। तो पूरी वैल्यू, जितनी भी पूरी वैल्यू इसमें, यहाँ पर x की जगह -2, y की जगह 3 एंड z की जगह 14 रख के इसको सॉल्व करना है। वैल्यू मैं रख देता हूँ, सॉल्व आप करना, बहुत बड़ा है पर है कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू रखनी है और उसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है -32 xz प्लस 2x प्लस 81 माइनस 3xy प्लस का x स्क्वायर माइनस का 19y स्क्वायर माइनस का 99z माइनस का 4y प्लस का 12 माइनस का 3yx फिर 41xz माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 10 माइनस का 12। तो इसमें हमें पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू तो -2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 14। तो ये हर जगह पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे सबसे पहला -32 इंटू एक्स -2 और z 14 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 81। इसको एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई मतलब एक्स वाली टर्म एक साथ, एक्स स्क्वायर वाली एक साथ, एक्स वाई वाली एक साथ, ठीक है। तो -32 एक्स जेड, एक्स जेड एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों को एक साथ। नेक्स्ट एक्स वाली टर्म, तो एक ये है एक्स और कहीं भी नहीं है, ठीक है। एक्स वाली टर्म एक ही है, उसके बाद नंबर्स या एक्स वाई वाली टर्म ले लेते हैं। एक्स वाई वाली टर्म एक ही है और एक ये है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली एक ये है और एक ये है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर वाली ये
बस सिंगल है वाई स्क्वायर वाली, जेड वाली ये है और बस सिंगल है ये भी। नेक्स्ट वाई वाली तो ये है और बस एक ही है। उसके बाद जो जो टर्म हमारी बच गई उनको लिखते हैं, जैसे 81 बच गया 10 और माइनस 12, ठीक है, बाकी सारी हमारी टर्म्स और एक इधर प्लस 12 कवर अप हो चुकी है और यही टर्म हमारी रेस्ट रह गई थी, इनको हमने लिख दिया। तो हमने यहाँ पे देखा जब इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस माइनस 41 में से 32 गया बचे 9 एक्सजेड, ठीक है, और 2x माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 और 7 10 वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो एक ही लीजिए, प्लस माइनस माइनस 1 में से 5 गया 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 19 वाई स्क्वायर, माइनस का 99 जेड और 4 वाई, माइनस प्लस ये माइनस 12 प्लस 12 ये कैंसिल आउट, 81 प्लस 10 91। तो अभी ये हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है जितना इसको हम कर सकते थे। बस अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू इसके अंदर रखनी है। कौन सी वाली वैल्यू, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 3 एंड जेड इक्वल्स टू 14। अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही रख देते तो हमको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती, जबकि अभी ये काफी छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले उसको जितना सिंप्लीफाई कर सको उसको सिंप्लीफाई कर लो, और जब आपको लगे कि अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता देन उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो वैल्यू आप पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है, सपोज अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर है, ठीक है, और y इक्वल्स टू सर्कल है और 1 इक्वल्स टू ट्रायंगल है। सिमिलरली माइनस y रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर के अंदर डॉट्स, y रिप्रेजेंट करता है सर्कल के अंदर डॉट्स, और माइनस 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल के अंदर डॉट्स, ठीक है। मतलब जैसे ही माइनस के साइन लगे तो उनके शेप्स के अंदर बस डॉट्स आ जाएंगे। तो हमको इसने पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 प्लस का माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू, अगर माइनस y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 है तो यूजिंग द शेप गिवन इन द टेबल ट्राई टू रिप्रेजेंट, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इन शेप्स की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 3 ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस, इनको भी इधर लिया आते हैं तो ये इधर उठ के आएगा तो ये माइनस का इधर आके प्लस, ये प्लस से इधर आके माइनस, ये माइनस से इधर आके प्लस और इधर रह गया जीरो, ठीक है। सारी वैल्यूज को उठा के इस तरफ लिया है, अभी एक साथ करना वाई स्क्वायर वाले को, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वाई वाई एंड वाई, तो ये तो सिंप्लीफाई होके जीरो आ सकता है सर, हाँ जीरो आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स प्लस माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2y स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन और ये माइनस को पहुंचा देंगे अंदर, ठीक है, ऐसी 3 आगे और माइनस पहुंच गया वाई स्क्वायर के अंदर
और ऐसे प्लस फोर और माइनस वन है ना, फोर को लिख माइनस फोर को लिख सकते हैं फोर इंटू माइनस वन। नेक्स्ट माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे दिया है टू वाई स्क्वायर, तो ये कितनी बार बन रहे हैं, ये स्क्वायर वाली फिगर दो बार, फिर प्लस y माइनस वाई की वैल्यू कितनी है सर्कल, तो ये कितने सर्कल बन गए, वन टू थ्री फोर डॉटेड सर्कल्स, उसके बाद प्लस थ्री ट्रायंगल्स, कितने बन गए वन टू थ्री, फिर सिमिलरली थ्री और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है डॉटेड स्क्वायर्स, तो कितने बन जाएंगे वो थ्री बन जाएंगे। नेक्स्ट प्लस फाइव वाई, वाई किसके इक्वल है सर्कल के, और कितने सर्कल बन जाएंगे प्लस के फाइव सर्कल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आप बना लेना इन बाकी रेस्ट के लिए भी, और ये हमारा सॉल्यूशन है। जैसे हमने इस साइड बनाया इक्वल टू लगा के, उधर के लिए भी ऐसी फिगर्स बना लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में हमें दिया हुआ है थ्री सर्कल्स दिए हैं और प्लस उसके बाद डॉटेड सर्कल्स दिए हुए, थ्री स्क्वायर दिए हुए उसके बाद फिर डॉटेड सर्कल्स दिए हुए, तो इनसे हमें इक्वेशन बना दिए। तो इक्वेशन में डायरेक्टली बना के दिखाता हूं आपको, सबसे पहले थ्री स्क्वायर, तो थ्री स्क्वायर एक इसकी इक्वल है, तो थ्री वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, थ्री स्क्वायर दिए हुए ना, तो थ्री इंटू वाई स्क्वायर, फिर प्लस डॉटेड वाले क्या दिए हुए सर्कल, तो कितने दिए हुए दो, तो माइनस वाई टू इंटू माइनस वाई। नेक्स्ट प्लस का साइन, डॉटेड स्क्वायर्स दिए हुए कितने थ्री, तो थ्री इंटू माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस, हाँ उसके बाद जो वैल्यू दी हुई है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई फोर ट्रायंगल कौन से वाला है ये, तो इंटू फोर, ठीक है ना, क्योंकि देखो जैसे ही हमने डॉटेड स्क्वायर्स बनाए तो हमने उसकी जगह तो वाई स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद जस्ट ट्रायंगल दिया हुआ है और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, और कितने ट्रायंगल है फोर, वन एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इंटू फोर कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर प्लस का साइन दिया हुआ है, फिर डॉटेड वाले सर्कल्स दिए कितने फाइव, तो फाइव इंटू माइनस वाई, और लास्ट में प्लस ट्रायंगल कितने दिए हुए हैं सिक्स, तो सिक्स इंटू माइनस वन, ठीक है, एक ट्रायंगल माइनस वन को दिखा रहा था, तो सिक्स कितने को दिखाएंगे छह को, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो और यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो टू वाई थ्री फोर जब ट्वेल्व, ये इसको ऐसे भी रहने दो तो भी सही है, प्लस के फाइव प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये हमारी इक्वेशन, ठीक है। आगे बोला ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन, इसको हमने एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई भी कर दिए जितना हो सकता था, जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो टू ऑफ फाइव माइनस सेवन, ठीक है। और हाँ एक चीज और, पहले इसकी और इसकी इंटू कर लेते हैं, थ्री वाई स्क्वायर प्लस की ट्वेल्व वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो थ्री प्लस ट्वेल्व फिफ्टीन वाई स्क्वायर माइनस के सेवन वाई माइनस सिक्स, ये हमारे सिंप्लीफाई करके जो आई है इक्वेशन है। राइट द सिंप्लीफाइड इक्वेशन यूजिंग शेप्स, अब ये जो इक्वेशन आई है ना सिंप्लीफाई करके, इसको शेप्स में लिखना है, दोबारा से शेप बनानी है इसके लिए, तो फिफ्टीन क्या बनाना है आपको स्क्वायर्स बनाना है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन करके माइनस ले जाना वाई के साथ, तो सेवन माइनस वाई सर्कल बनाना है डॉटेड सर्कल्स, और माइनस सिक्स तो प्लस का साइन लगा के माइनस को अंदर ले जाना, तो माइनस ट्राइंगल बनने हैं डॉटेड कितने सिक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, इक्वेशन दी हुई है और बोला इसमें x की जगह माइनस फोर और y की जगह माइनस थ्री रख के इसको सिंप्लीफाई करना है, अभी किया है ऐसे हमने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर फोर में बोला था कॉस्ट ऑफ ए टिकट फॉर वन डे सर्कस शो इज इल वाई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए टिकट वाई रुपी है, एक टिकट की कॉस्ट सर्कस में अंदर जाने की या सर्कस देखने की, सर्कस शो देखने की वाई रुपए है। बोला था कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम इज 750 सीट्स, और स्टेडियम की कैपेसिटी ऑफ स्टेडियम, इसका मतलब है कि स्टेडियम के अंदर एक बार में कितने लोग आ सकते हैं, 750 लोग आ सकते हैं, ठीक है, 750 सीट्स लगी हुई है उसके अंदर, तो इसका मतलब है 750 लोग आ सकते हैं। द स्टेडियम वॉज हाउसफुल, स्टेडियम हाउसफुल है मतलब सारी सीट्स ऑक्यूपाइड है, ठीक है, मतलब 750 के 750 सीट्स ऑक्यूपाइड है। देयर वर 20 पीपल हु वर गिवन ए कॉम्प्लीमेंट्री पास फॉर द एंट्री, 20 लोग तो ऐसे थे जिनको कॉम्प्लीमेंट्री पास मिला हुआ था, मतलब वो फ्री वाले थे, तो टोटल जो है वो कितने लोग थे जिन्होंने खरीदा था, तो पीपल या नंबर ऑफ पीपल हु परचेज पासेस या टिकट्स, तो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने टिकट खरीदा वो कितने बचे, 750 माइनस वो जो 20 फ्री वाले थे, है ना, अगर 20 लोगों को फ्री में पास दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल 750 लोग थे उसमें से वो 20 फ्री वाले माइनस कर देंगे तो कितने लोग हैं जिन्हें टिकट जो है जिन्होंने खरीदा था वो है 730। अब आगे बोला है राइट द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट सोल्ड इन एन एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, तो एल्जेब्रिक स्टेटमेंट में इसकी टोटल कॉस्ट लिखनी है, टिकट कितने बिके, ठीक है, एक टिकट y रुपए का है, टिकट बिके 730, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट पूरी यहां से लिख देना, टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट सोल्ड इन, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट सोल्ड इक्वल्स टू, एक y रुपए का है बिके 730, तो 730 by कितना है y, तो ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक सर्कस का एक दिन का शो देखने का टिकट की कॉस्ट y रुपए, एक दिन का एक लोग एक का एक इंसान के एक दिन के टोटल टिकट या शो देखने की जो कॉस्ट है वो y रुपए है, और स्टेडियम की जो कैपेसिटी है मतलब उसमें कितने लोग आ सकते हैं, 750 लोग आ सकते हैं। अब 20 लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री पासेस दे दिए, मतलब 20 लोग ऐसे थे जिनको फ्री में दे दिए, तो बचे कितने लोग जिन्होंने कैश में खरीदा, 730, ठीक है। अब इसने बोला था कि टोटल कॉस्ट बतानी है हमको टिकट सोल्ड, मतलब जितने टिकट बिके उनकी टोटल कॉस्ट बतानी है, तो एक टिकट y रुपए का है बिके 730, तो 730 मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि के की किस वैल्यू के लिए, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिकम अनडिफाइंड, ये जो एक्सप्रेशन है ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा मतलब ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/0 के, 1/0 वाली कंडीशन को यहां अनडिफाइंड कहते हैं। उसने बोला है के की किस वैल्यू के लिए ये पूरी इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगी, तो अनडिफाइंड मतलब ये 1/0 के इक्वल हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 और ये हिस्सा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये पूरा हिस्सा तो 0 के साथ और ये 1 के साथ, तो ये बच गया, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट यहां से हमें जो जो कॉमन दे सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, तो 6 और k कॉमन आ गया, तो यहां से बचा k स्क्वायर और यहां से बचा 6 9 = 0, ठीक है, यहां से हमने 6 और k कॉमन ले लिया, है ना, दोनों में 6 के टेबल में 6 भी आता है 54 भी आता है, तो जो दोनों ये दोनों किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में, तो वो हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटी वाली पावर कॉमन ले लेंगे, अब जो भी कॉमन लिया है उससे हमें डिवाइड करना होता है, तो 6 से 6 डिवाइड हुआ तो 1 और y से y की पावर 3 डिवाइड हुई तो बची y की पावर 2। सिमिलरली 6 से 54 डिवाइड हुआ 9 बार में और k से k कैंसिल, तो हमारे पास
आ गया 6k ब्रैकेट के अंदर बाई स्क्वायर माइनस 9। अब दो नंबरों के मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, ठीक है, दो नंबरों के मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये है या तो दोनों नंबर जीरो होंगे या उनमें से एक नंबर जीरो होगा, ठीक है। तो हमको नहीं पता कि इन दोनों में से कौन नंबर जीरो है, तो हम दोनों को जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक। इसने बोला है यहाँ पे, ये इक्वेशन को देखो ध्यान से, कि 6 के मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब है या तो ये पूरा जीरो या ये पूरा जीरो, क्योंकि अगर मैं अगर आपको एक सिचुएशन दूं जिसमें बोलूं a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू जीरो है, तो डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई एक तो जीरो होगा या दोनों ही जीरो के इक्वल हो सकता है, तो हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे a को भी जीरो के इक्वल रख लेंगे और b को भी जीरो के इक्वल, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई जीरो, जैसे सिक्स जीरो के नीचे गया, सिक्स खत्म, तो k इक्वल टू आ गया जीरो, ठीक है। दूसरा यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन को इधर ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट चढ़ा, उसके बाद k इक्वल टू नाइन के फैक्टर करे हमने, तो अंडर रूट में नाइन के फैक्टर आ गए थ्री इंटू थ्री। एक चीज और यहाँ पे लगाना प्लस माइनस का साइन, उसका बताऊंगा मैं रीजन, प्लस माइनस, तो थ्री में से एक थ्री बाहर, तो प्लस माइनस का थ्री, तो हमारे पास k की तीन वैल्यू आ गई, जीरो, प्लस का थ्री और माइनस का थ्री। ये रखने पे ये इक्वेशन एक अनडिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे रख के देखते हैं। जब हमने k की जगह जीरो रखा तो ये भी जीरो, पूरा जीरो, जैसे नीचे की तरफ जीरो आ गया तो वो इक्वेशन अनडिफाइंड हो गई, ठीक है। अब जैसे k की जगह थ्री रखा तो k की पावर थ्री मतलब सिक्स इंटू थ्री की पावर थ्री 27, तो 627 जा 627 जा 42 4 कैरी 12 4 162 और यहाँ पे 54 इंटू थ्री तो 2 और ये तो 162 माइनस 162 तब भी जीरो आ गया, ठीक है। अब k की वैल्यू माइनस थ्री रखी तो माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस का 162 और यहाँ पे प्लस का 162 तो भी ये जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्लस माइनस का साइन इसलिए लिया था क्योंकि ये ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो आपके कोर्स में नहीं है सिलेबस में, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री होती है वो टू होती है, तो वो इक्वेशन जिसकी डिग्री टू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होती है लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, और वो इक्वेशन जिसकी डिग्री थ्री होती है क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूल है, जब भी हम वैल्यूज को इधर ले जाते हैं और उन पर अंडर रूट चढ़ता है तो वो वैल्यूज प्लस माइनस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस के थ्री आ गए, तो k की सारी वैल्यूज हमारे सामने आ गई है जिस पे ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो सकती है, इनके अलावा किसी पे भी ये जीरो के इक्वल नहीं होगी। पर अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया तो आपके पास केवल प्लस का थ्री आता, और एग्जाम में तो आपको तीन वैल्यू मिलेगी देखने को, जीरो, प्लस का थ्री, माइनस का थ्री, तो वहां पे आप गड़बड़ कर जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस थ्री आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी पावर टू, ठीक है, टू इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले एक्सरसाइज पे 6.6 वही बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड सब्ट्रैक्ट 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 3 फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन। तो ये जो इक्वेशन दी है इसको पहले उसका सम निकालना है हमको और उसमें से फिर 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 माइनस करना है। तो इक्वेशन हमको दी हुई है 3x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14 और एंड की जगह पे लाएंगे प्लस का साइन 3xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x, इसका सम निकालना है। तो 3x x और x साथ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 14 और माइनस 2, ये माइनस 2 पहले लिख लो बाद में पूछ लो। अच्छा ये माइनस का तो लिख चुके हैं, तो 3 में से 2 गया बच्चा 1, 3 और 3 6 y स्क्वायर प्लस 3 xy और प्लस 14
ठीक है, ये हमारे इनका सम आ चुका है, अभी सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से जो उसने इक्वेशन में दिया हुआ है, ऊपर की तरफ जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्या, 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इनके सम में से, तो सम तो ये आया था, रिजल्ट ये आया था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 14 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 माइनस का 3 और प्लस का 14, ठीक है, ये 1x है, तो 1x माइनस 4x, ठीक है, और उसके बाद 6y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 14 माइनस 3, इसे सॉल्व करना है, 1 में से 4x गया तो माइनस 3x प्लस का 5y स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस का 11, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी टाइप से आपको बाकी भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, इसमें भी आपको वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर देना है बस। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको करके दिखाता हूं, ए में बोला है माइनस एस माइनस टी प्लस यू, ठीक है, तो एस की वैल्यूज ने दे रखी है 3ab² माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस टी की वैल्यू दे रखी है माइनस 5b² प्लस 12ab माइनस b² a प्लस यू की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये इक्वेशन बन गई। और इस टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे एक साथ करके, वेरिएबल जो सिमिलर वेरिएबल है ये जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ, और जो अनलाइक टर्म्स है उनको पीछे रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला, देयर आर 6 बॉन्ड इन आवर रिस्ट, हमारी क्लाइम में 6 बॉन्ड्स होती है, 6 बॉन्ड लेस कम होती है इन आवर रिस्ट देन इन आवर फिंगर्स, ठीक है। इसमें बोला है कि हमारी जो क्लाई है, हमारी क्लाई में हमारी जो फिंगर्स है उनसे 6 बॉन्ड कम होती है। आगे देर आर 3 मोर बॉन्ड्स इन आवर रिस्ट देन इन आवर पाम, और जो हमारी रिस्ट है उसमें पाम से 3 बॉन्ड ज्यादा होती है, ठीक है, पाम से 3 ज्यादा होती है इसमें, फिंगर से तो 6 कम होती है, पाम से 3 ज्यादा होती है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ईच पार्ट ऑफ आवर हैंड, तो हमारे हाथ के हर एक पार्ट में कितनी बॉन्स होगी, ठीक है, इसको तो निकालना पड़ेगा इक्वेशन बना भी। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बोन्स इन रिस्ट, ठीक है, हमने माना रिस्ट में एक्स बोन होती है, तो नंबर ऑफ बोन्स इन फिंगर्स, तो फिंगर्स में कितनी हो जाएगी, इससे 6 ज्यादा, और नंबर ऑफ बोन्स इन पाम, ठीक है, तो पाम में कितनी हो जाएगी, इससे 3 कम, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड, हाथ में टोटल कितनी बोन्स होगी, x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, तो x 3x और 6 में से 3 गया तो बचा 3, तो ये आ गया हमारा 3x माइनस 3। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन किया कैसे, इसने हमसे बोला था कि जो हमारे रिस्ट है उसमें हमारी फिंगर से 6 बोन कम है, हमने मान लिया रिस्ट में x बोन है, तो फिंगर से 6 बोन कम थी, तो फिंगर में इससे 6 बोन ज्यादा होगी, इसका मतलब है ना, इसने बोला कि रिस्ट में कलाई में फिंगर से 6 बोन कम है, तो इसका मतलब है कि फिंगर में रिस्ट से 6 बोन ज्यादा है, स्टेटमेंट को हमने उस तरीके से लिख लिया है ना, हमने रिस्ट में माना x बोन थी तो फिंगर में हो गई x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला इसने कि जो रिस्ट है उसमें पाम से 3 बोन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाम है उसमें रिस्ट से 3 बोन कम है,
तो हमने यही लिखा नंबर ऑफ बोन्स इन पाम इक्वल्स टू रिस्ट से थ्री बोन कम। आगे इसने बोला है टोटल हैंड में टोटल हाथ में कितनी बोन हुई, तो रिस्ट की बोन प्लस पाम की बोन प्लस फिंगर की बोन, ये पूरा मिलके हाथ बनाते हैं ना, तो इसलिए x x प्लस सिक्स और x माइनस थ्री सबको ऐड करा तो 3x माइनस थ्री ये आ गई हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन। नेक्स्ट बोला है एक इक्वेशन दी है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाले में फोर्थ वाले में इसमें भी टी की वैल्यू दी है, चेक वेदर द फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है अगर टी की वैल्यू थ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे टी की जगह क्या रख देंगे, थ्री रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है संजू सेल्स ऑरेंज इन द मार्केट इन द मॉर्निंग ही ओपन द शॉप। संजू जो है सॉरी संजू ऑरेंजेस बेचता है मार्केट में और वो अपनी शॉप मॉर्निंग में ओपन करता है और इतने ऑरेंजेस बेच देता है, ही ओपन हिज शॉप विद, वो मॉर्निंग में जब शॉप ओपन करता है तो उसके पास 18x प्लस 30 ऑरेंजेस थे। तो संधू हैज इक्वल्स टू 18x प्लस 30 ऑरेंजेस, उसके पास इतने ऑरेंजेस थे। नेक्स्ट ही सोल्ड x प्लस 6 ऑरेंजेस इन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में संधू सोल्ड ऑरेंजेस इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में कितने ऑरेंजेस उसने बेच दिए, x प्लस 6। फिर नेक्स्ट आफ्टरनून में संधू सोल्ड ऑरेंजेस इन आफ्टरनून, आफ्टरनून में कितने बेच दिए, 10x माइनस 7। तो इसने ये पूछा हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट विद हिम एट द एंड ऑफ द डे, तो डे के एंड में मतलब जब वो पूरा दिन खत्म हो जाता है ऑरेंजेस बेचने का उसका, मतलब वो सारे जितने बेचने थे उसने बेच दिए, उसके बाद उसके पास कितने ऑरेंजेस बचे हमें ये निकालना है। तो ऑरेंजेस लेफ्ट विद हिम, ऑरेंजेस लेफ्ट विद हिम, तो टोटल 18x प्लस 30 थे, उसमें से x प्लस 6 भी माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें से 10x माइनस 7 भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमने बेच दिए ना, तो इसमें से इसको भी माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो, तो इसमें सॉल्व कर लेंगे 18x प्लस 30 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 18x माइनस x माइनस 10x प्लस 30 माइनस 6 प्लस 7, तो 18 में से 1 गया बचा 17 और 17 में से 10 गया बचा 7, 30 में से 6 गया 24, 24 प्लस 7 31, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसके पास बचे हमारे 7x प्लस 31, तो ये हमारे आंसर, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे एडवांस के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।